हेलो नहीं सुनिए, चलिए मिलाइए सब, जो नहीं मिलाया जो नहीं बनाया वो भी ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, द वेट ऑफ माई बाइसाइकिल इज 50, ये कितना है यानी 50 किलोग्राम। देखिए वेट मतलब क्या होता है, वजन। वेट मतलब, ऑफ मतलब, माय मतलब मेरे, देंगे यहाँ पे, समझ गया। बाइसाइकिल मतलब साइकिल, इज मतलब 50 मतलब, और किलोग्राम मतलब किलोग्राम, समझ गया। क्या हो जाएगा, मेरे साइकिल का वजन 50 किलोग्राम है, ये ना करें, मेरे साइकिल पचास किलोग्राम है, समझ गया। 50 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। द नोज ऑफ माई सिस्टर इज वेरी लॉन्ग, यही ना रे। सुनिए, नोज मतलब क्या होता है, नोज मतलब नाक, नोज मतलब नाक, ऑफ मतलब नहीं की, क्या होगा की। समझ गया। माय मतलब मेरी, सिस्टर मतलब बहन, इज मतलब वेरी मतलब लॉन्ग मतलब लंबी, नाक जो होता है स्त्रीलिंग होता है, समझ गया। क्या हो जाएगा, मेरी बहन की नाक बहुत लंबी है, समझ गया। मेरी बहन की नाक बहुत लंबी है, सुनिए, मेरी बहन की नाक बहुत, अपना याद करो तुम सब, ठीक है। द नेक ऑफ एन एलिफेंट इज वेरी फैट, हे लड़की कहाँ ध्यान है रे, जब बता रहे थे इधर उधर ध्यान देता, बना गलत है, मारेंगे दुइये झापर की, तुम तो ने बनाई है, तो ध्यान दीजिए। द नेक ऑफ एन एलिफेंट, नेक मतलब क्या होता है, गर्दन, क्या बोली थी अभी, अभी क्या ना बोले थे तुम लोग, नेक मतलब गर्दन हो जाएगा, ऑफ मतलब का, एन मतलब एक, एलिफेंट मतलब हाथी, क्या हो जाएगा, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, फैट मतलब मोटा, तो क्या हो जाएगा, एक हाथी का गर्दन बहुत मोटा है, ये ना करे, एक हाथी गर्दन बहुत, समझ गया। चलो उसके बाद देखिए, हो गया अरे, अगला है द नेस्ट ऑफ ए वर्ड इज वेरी स्मॉल, ये ना देखिए, नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला नहीं होता रे, NEST, नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, बचपन से तो पढ़ते हैं घोंसला, ऑफ मतलब का, ए मतलब ए, बर्ड मतलब बर्ड, पक्षी, इज देखिए क्या होगा, एक पक्षी का घोंसला, इज मतलब है, वेरी मतलब स्मॉल मतलब छोटा, क्या हो गया, एक पक्षी का घोंसला बहुत छोटा है, हाँ चिड़िया भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे स्मॉल मतलब सुंदर होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है। द हॉर्स है कि हाउस है, यहाँ पर हॉर्स है, उसमें देखो हॉर्स है ना, तब हॉर्स लिख ली दो नाम तुम, सुनिए, द हाउस
द हाउस ऑफ माई फ्रेंड इज वेरी ब्यूटीफुल, ये ना सुनिए बताओ रे तुम लड़की, हाउस मतलब क्या होता है? घर क्या होता है? हाउस मतलब दा मतलब कुछ नहीं देंगे, हाउस मतलब क्या होता है? घर। ऑफ मतलब का। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, मेरे दोस्त का घर, ये ना अरे इज मतलब वेरी मतलब ब्यूटीफुल मतलब क्या हो जाएगा? मेरे दोस्त का घर बहुत सुंदर है। चलिए उसके बाद है द हॉर्स ऑफ योर फ्रेंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना रे? द हॉर्स ऑफ योर फ्रेंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए हॉर्स मतलब क्या हो जाएगा? ऑफ मतलब योर फ्रेंड तुम्हारे दोस्त, इसका मतलब तुम्हारे दोस्त का घोड़ा। इज मतलब नॉट मतलब वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारे दोस्त का घोड़ा बहुत मजबूत नहीं है। चलिए मिला लीजिए।